नमस्कार कराने आपको अपने अधिकारों का एहसास हाजिर है हम फिर से लेकर आपका अपना कार्यक्रम कानून की बात दर्शकों जब बात कानून की होती है तो अधिकारों की भी होती है और जब अधिकारों की होती है तो शिक्षा की भी होती है क्योंकि शिक्षा से ही हमें ये पता चलता है कि हमारे अधिकार क्या है साथ में हमारे कर्तव्य भी क्या है तो आज हमारी चर्चा का विषय है विधिक शिक्षा क्योंकि आज सिर्फ शिक्षित होने से काम नहीं चलेगा हमें विधिक रूप से भी साक्षर और शिक्षित होने की जरूरत है तो इसी संबंध में आज बहुत सी चर्चा करेंगे जानकारियां लेंगे और उसके लिए सबसे पहले आमंत्रित करेंगे स्वागत करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे बेहद खास मेहमान एडवोकेट महेंद्र शर्मा जी का सर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू क्योंकि ये जो विषय है ये सबसे जुड़ा हुआ है आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि चलिए हम एजुकेटेड हैं तब तक जब तक हमें ये नहीं पता कि हमारे राइट्स क्या हैं हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं और वो सब हमें पता चलता है विधिक शिक्षा से तो सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो कॉन्सेप्ट है विधिक शिक्षा ये क्या है देखिए विधि आयोग ने विधिक शिक्षा को एक कहना विज्ञान के रूप में इसको परिभाषित किया है जिसके अंतर्गत जो आ, जो कानून के सिद्धांत हैं जो इनके कानून के प्रावधान हैं उन कानून के सिद्धांत और प्रावधान जैसे कि एक साइंस के विषय में प्रैक्टिकल के तौर पे और थियोर्टिकल जैसे उनको पढ़ाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी प्रैक्टिकल और थियोर्टिकल वे में किसी भी छात्र को उसको एक पेशेवर मतलब एक प्रोफेशनल एक एक एडवोकेट बनाना तो ये उसका एक लक्ष्य है जिसके माध्यम से वो अपनी पूरी शिक्षा बनते हैं मतलब अपनी पूरी शिक्षा को कंप्लीट करने के बाद में एज ए प्रोफेशनल वो काम कर पाए उनको इस योग्य बनाया जाए यही एक जो है वो विधिक शिक्षा के तौर पर हम इसको कहते हैं तो मतलब ये सिर्फ एक किताबी कीड़े की बात नहीं है कि आपको किताब में जो लिखा है वो आपको बस आना चाहिए यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज की भी बात होती exactly. है एक्जेक्टली इसमें जो जो है ना मतलब जितना भी जो इसी मतलब यही एक कारण है कि जो लॉ है वो कभी पत्राचार से नहीं होती जितनी भी जो जी, यूनिवर्सिटीज हैं जितने भी जो कॉलेजेस हैं उनमें केवल और केवल आपकी मतलब फुल टाइम ये कोर्सेज मतलब अवेलेबल है उसके पीछे रीजन ही है क्योंकि इतने सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं उनको कोर्ट में जाना है आपको दुनिया भर की एक्टिविटीज करनी होती हैं और ये, ये तभी मतलब पॉसिबल है जब आप अपने क्लासरूम करो ठीक है तो सर यदि हम देखें कि लॉ को एज अ सब्जेक्ट कोई व्यक्ति ले रहा है कोई बच्चा ट्वेल्थ के बाद यदि करना चाहता है तो हम लॉ की पढ़ाई कैसे कर सकते हैं क्या ट्वेल्थ के बाद करनी होती है या ग्रेजुएशन के बाद करनी होती है इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है देखिए आज जो है ना जिस जिसमें तरीके से जब कोई बच्चा जब ट्वेल्थ पास करके और उसके दिमाग में दो तीन चार ऑप्शन ही रहते हैं जैसे या तो वो इंजीनियरिंग के कोर्स में जाने की कोशिश करता है या फिर वो मेडिकल के कोर्सेज में जाने की कोशिश करता है लेकिन इससे पहले मतलब कुछ टाइम पहले की मैं बात करूँ तो ये वाली सुविधाएँ हमारे पास नहीं थी हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था कि अगर बच्चा लॉ फील्ड में जाना चाहे तो उसको ये आ, मतलब ट्वेल्थ के बाद कोई अपॉर्चुनिटी मिले पहले यही होता था कि पहले अपनी ग्रेजुएशन करे और ग्रेजुएशन के बाद में फिर वो अपनी मतलब जो भी अपना एलएलबी का जो कोर्सेस है वो करेगा तो वो जो होती थी वो थ्री इयर्स की होती थी जी। लेकिन अभी अ, जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑप्शन है आफ्टर ट्वेल्थ उनके पास में फाइव ईयर्स जो जो है ना डिग्री का ये एक एक ऑप्शन है और देर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज की जो आज की डेट में थ्री ईयर्स एज वेल एज फाइव ईयर्स कोर्स को रेगुलर बेसिस पर करवा रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है मतलब आज से कुछ टाइम पहले तक ग्रेजुएट होना जरूरी होता था मिनिमम एलिजिबिलिटी ये थी कि यदि आपको लॉ करनी है तो आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन करनी होगी लेकिन आ, वैसे हम देखते हैं कि यदि हमें सी करना है तो ट्वेल्थ के बाद कर सकते हैं हमें एम में एडमिशन लेना है हम ट्वेल्थ के बाद ले सकते हैं लेकिन लॉ ये फील्ड था कि हमें इसके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन तो चाहिए ही थी बट अब इसमें भी परिवर्तन आया और ट्वेल्थ के जस्ट बाद हम इसे एक अपने ऑप्शन के तौर पर सब्जेक्ट के तौर पर ले सकते हैं सर so, यूनिवर्सिटीज की यदि बात करें राजस्थान की जयपुर की कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये कोर्स कराती हैं देखिए राखी जी यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें से अगर मैं हो सकता है किसी एक का नाम कोई मैं मिस कर जाऊं लेकिन मोटा मोटा जो मेरे को याद है लगभग 11-12 यूनिवर्सिटीज है अच्छा। और 11-12 यूनिवर्सिटीज के बाद में कुछ करीब सेवेंटी फाइव कॉलेजेस हैं जो इससे राजस्थान यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट कॉलेजेस से वो आ, अपना अपने इंडिविजुअली काम कर रहे हैं जी। अब मैं बात करूं तो जो सबसे पहले जो नंबर वन पोजीशन पे आता है वो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि जोधपुर में है आ, उसके बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी इन दोनों में जो चयन का जो प्रक्रिया है वो इसमें एक इसमें एग्जाम एक होता है और एग्जाम के बेसिस पर इनको कॉलेज का सलेक्शन मिलता है एज पर रैंक उसके बाद में इफकाई है महषि दयानंद है एम टी है जी। आ, आ, नेशनल यूनिवर्सिटी है जी। निम्स है जी। तो ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो मतलब शायद हो सकता है अभी मेरे को याद नहीं आए लेकिन हाँ अगर आप गूगल करेंगे तो गूगल पर ये सारे सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल तो मतलब काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं हम देख रहे हैं कि नेशनल लॉन यूनिवर्सिटी है हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी है ये तो बहुत अच्छी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं जो इस तरीके के कोर्सेस करा रहे हैं और स्पेशली दोनों ही चीज़ों को लेकर के कि थ्री ईयर के लिए भी और फाइव ईयर के लिए भी और जो एनएलयू है हमारी इनका तो नाम भी बहुत ज्यादा है सर यदि करियर ऑप्शन की बात करें क्योंकि ट्वेल्थ के बाद इंसान को सबसे ज्यादा जो परेशानी आती है जो उलझन होती है वो यही होती है कि अब मुझे क्या करना है मुझे साइंस लेनी है मुझे या कॉमर्स लेनी है या मैं लॉ के फील्ड में चली जाऊँ तो जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए जाते हैं उसके पीछे का कारण ये होता है कि कि इंसान देखता है कि चलो मैं ये कोर्स करूंगा, तो आगे जाकर के इस फील्ड में ऐसे करियर बना सकता हूँ कि ठीक है मैं डॉक्टर बन जाऊंगा मैं सी बन जाऊंगा यदि हम लॉ की फील्ड की देखते हैं तो इसमें एक चीज तो हमें पता है कि वकील बन सकते हैं जज बन सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस करियर के रूप में हमें मिलते हैं लॉ में राखी जी ये ना एक अभी बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन आया है लोगों में थोड़ी सी जागरूकता अभी अभी बढ़ी है लॉक को लेके है ना एलएलबी को लेके हम केवल जब एलएलबी की बात करते हैं जब कानूनी शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज आती है और वो आती है एज ए वकील हाँ. या फिर जैसा आपने कहा कि जुडिशरी हाँ, हाँ. लेकिन जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो जुडिशरी में केवल एंट्री लेवल नहीं है हम यहाँ से हम एडीजे तक या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक इसी वकील के पेशे से एलएलबी करने के बाद में वहां तक उस वाले मुकाम तक पहुंच सकते हैं उसका एक एक प्रोसेस है क्योंकि उनका एक वकील का कोटा होता है इंटरनल उनके एग्जाम्स होते हैं अगर वो पास करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं इसके अलावा जो ये दो चीज तो बड़ी कॉमन है जो एक आम आदमी मतलब समझता है इसके अलावा दुनिया भर के ऑप्शन है वो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ जैसे कि कॉरपोरेट आजकल जो कॉरपोरेट जो मतलब वर्ल्ड में जितनी भी जो जो, जो मतलब कंपनीज हैं हर एक कंपनी का एक लीगल सेल होता है क्योंकि जो कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट जो जब से ये मतलब लागू हुआ तब से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट हुए तो ये मैंडेटरी है हर एक उसके लिए या ऐसे कहूँ कि उनकी ये नीड है उनकी एक आवश्यकता है कि उनको एक लीगल सेल बनानी है और अपने को वहां पे एक एडवोकेट नियुक्त करना है पूरी टीम जो कि उनके सारे लीगल मैटर्स को देखे तो इसमें कंपनियां सीधे जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे सीधे आती हैं और उनका कैंपस इंटरव्यू होता है और बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस में वो कंपनियां लेके जाती हैं अच्छा तो एक ये बहुत बड़ा एक, एक ये अवसर है कि उनके लिए कि मतलब अब अब जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं वहां पर भी आपको काम करने का माहौल मिलेगा इसके अलावा आपको जब पूरे इसी वाले उसमें जब वकालत करते हुए जब आपके करीब दस साल हो जाते हैं तो आपको एज ए नोटरी पब्लिक का भी एक ऑप्शन मिलता है उसका भी एक एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई करके वो भी हो सकते हैं इसके अलावा सरकारी वकील आमतौर पर जिसको बोलते हैं हम ए पी पी वो भी बनने के चांस होते हैं लीगल एडवाइजर जो कि सरकार के विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट्स को समय समय पे उनको एक एक सुझाव या उनको जो भी गाइडेंस है जी। वो देते रहते हैं एक वो वाला है इसके अलावा आ, आ, जो टीचिंग लाइन है हाँ। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस खुले बिल्कुल, हुए हैं तो टीचिंग लाइन में जा सकते हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं एनएलयू है हुँ। 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 तो वहां पे जो टीचिंग के जो ऑप्शंस हैं वो भी अभी आगे खुले हुए हैं लीगल एडवाइजर मैंने आपको बता ही दिया इसके अलावा राइटिंग का है आ, मतलब राइटिंग में आपको अगर कोई बुक्स लिखनी है वहाँ पर कैरियर है एज ए जर्नलिस्ट आप वहाँ पे बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है रिपोर्ट्स राइटिंग की एक वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है आजकल इवन एक अलग से जो अपन ने जो जो है ना महसूस किया है कि आप जब कोई प्लीडिंग या या ड्राफ्टिंग कुछ ऐसा बनाते जी, हो जी। तो उसके भी स्पेशलाइजेशन वाले कुछ लोग होते हैं कि अच्छा। जो केवल और केवल उस चीज पे फोकस करते हैं और वो आपको जैसी आपको चाहिए वो ड्राफ्टिंग करके वो देते हैं तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ना कि उसके साइड में कितने सारे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज है बिल्कुल और केवल ये चीज यहां तक सीमित नहीं है अगर आपको सामाजिक क्षेत्र में भी अगर अगर आपकी कुछ इच्छा है या आपको आगे बढ़ने की या कुछ करने की वो है तो आप मतलब तो यहाँ से आगे राजनीति का क्षेत्र भी खुलता है क्योंकि वकील का जो पेशा है वो डायरेक्टली पब्लिक डीलिंग के साथ में और उसकी जो प्रतिभा का जो निखार होता है इतने सारे लोगों से मिलना एकदम उसका जो दिमाग रहता है एकदम फर्टाइल रहता है अपडेटेड रहता है इतने सारे लोगों से डील करता है तो उसकी जो इंटर इंटरपर्सनल जो स्किल्स हैं वो इतनी डेवलप हो चुकी होती हैं कि उसमें वाकपटता की बात करें वो अच्छी आ जाती है एक जी, समझ जी, अच्छी जी, आ जाती है लोगों को एक है ना सेवा भाव वाली जो जो मतलब चीज़ है वो भी आ जाती हैं तो उसका राजनीति में जाने का जो अवसर है वो भी यहाँ से खोलते हैं। और हम देखते भी हैं, हम महात्मा गांधी का उदाहरण देखते, देखते हैं हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का उदाहरण देखते हैं जिन्होंने हमारे समाज के अंदर इतना परिवर्तन लाया और वो दोनों ही एडवोकेट थे तो वकील साहब हम कह रहे हैं कि हम सिर्फ वकील ही ना बने चलिए, हम चाहते हैं एक प्रतिष्ठित वकील बनना तो यदि देखें कि एक प्रतिष्ठित वकील क्योंकि उसको आगे बहुत सारे रास्ते मिलते हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है वो हाई कोर्ट तक जाता है वहां का जज बनता है जरूरी नहीं है कि जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करके ही आप जज बन सकते हैं वकालत से भी जाते ही है। तो ऐसे क्या क्या गुण होने चाहिए ऐसे वकील में देखिए वकील का जो पेशा है ना वो बड़ा चुनौतीपूर्ण है इसमें कोई शक नहीं कि वकील के पेशे में ग्लैमर है पैसा भी है लेकिन वो इतना आसान भी नहीं है आसान से मेरा मतलब है कि उसके लिए आपको एक सही अप्रोच से काम करना पड़ेगा और उसमें जो मैं समझता हूं एक वकील की अगर जो बेसिक अगर जो उसकी खूबियां होनी चाहिए उसमें आगे बढ़ने की तो मेरे हिसाब से सबसे पहली है उसकी जो कम्युनिकेशन अच्छा। स्किल कम शब्दों में तर्क संगत बात वो कैसे रखता है ये एक उसकी जो खूबी है ये उसको आगे बढ़ाने में मदद करती है इसके अलावा उसकी नॉलेज क्योंकि मालूम है मैं यहाँ पे इस नॉलेज का एक आपको एक क्योंकि आम आदमी को समझाने के हिसाब से मैं इसको ऐसे अपडेट करूंगा कि आज अगर कोई आज मैं एक कोई मोबाइल खरीदता हूं पता लगता है एक महीने के बाद में वो चेंज हो गया हाँ। सेम एडवोकेट के साथ में भी ऐसा ही मतलब होता है कि आज जो उसने पढ़ा है जरूरी नहीं कि वो अगले एक महीने के बाद में उसका जो भी संबंधित केस में उसमें वो एप्लीकेबल हो भेल्कुल, भेल्कुल। तब तक वो सारी चीजें बदल चुकी होती है तो मतलब कीप ऑन स्टडिंग ये उसका सबसे बड़ा एक रोल है जी, जी। तो उसको पढ़ाई करते रहना है उसके हुँ. पास नॉलेज इतनी क्योंकि इतने सारे रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जो रेफरेंसेस हैं जो उनके ऑर्डर्स हैं उन सबको देखना जी. और समझना एक वो उसकी एक खूबी होनी चाहिए तीसरा है उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छा जब हम किसी चीज को जब प्रेजेंट करते हैं कोर्ट के पास में तो हमें बोलने का मौका तो बाद में मिलता है पहले तो जो हमने लिखा है पहले तो उसी के ऊपर

उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक एक मतलब सामाजिक कुछ ना कुछ उसके कॉन्टेक्ट हैं। जी 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 सर आपने हमें बहुत अच्छी बात बताई कि यदि ये गुण आपके अंदर है तो आप एक बहुत अच्छे और सफल वकील बन सकते हैं और साथ में सनी देओल का जो डायलॉग है ना वो तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख आज हम उस सिनेरियो को बदलना चाहते हैं और वो तब बदल सकते हैं उसमें वकीलों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है क्योंकि कि तारीख पे तारीख हमें नहीं लेनी है हमें ये चाहना है कि जल्दी से जल्दी मामले का डिस्पोजल हो सर कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं सिविल कोर्ट होती है क्रिमिनल कोर्ट होती है एक आम आदमी के लिए ये जानना भी जरूरी है कि कोर्ट किस तरीके से काम करती है क्योंकि ये मैटर कभी भी किसी के साथ भी कुछ हो यदि तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमें कहाँ कार्यवाही करनी है कैसे करनी है और कोर्ट कैसे काम करता है राइट right. देखिए एक आम आदमी को अगर समझने के लिए मैं मैं बताऊं तो सबसे पहले देखिए मैं आपको छोटा मतलब एक है ना एक मोटा मोटा एक आइडिया देता हूँ कोर्ट को अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ट्रायल कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करें हाई कोर्ट उसके ऊपर हाई कोर्ट ये अपीलेंट और सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट जी, ये दोनों अपीलेंट कोर्ट है अगर मैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करूं अगर मैं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर समझने की कोशिश करूँ कम शब्दों में मैं आपको समझाने की, की कोशिश करता हूँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो नीचे सबसे नीचे होता है फिर सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट और फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट राजस्थान में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का, का एस एच कोई कोई मतलब नहीं मतलब वो नहीं है कॉन्सेप्ट नहीं है तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और एक जो है ना सिविल कोर्ट्स ठीक है ये दो आ, मतलब पेल ही काम करते हैं अच्छा अच्छा अब सवाल ये है कि जो आ, जो आ, ये जो मतलब क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं मतलब जहाँ पे जो आपराधिक मामले नहीं की जो सुनवाई होती है उनको तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सुनते हैं अच्छा। उनका नाम अपन ने फर्स्ट क्लास कोर्ट या उसका फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के नाम से से दे दिया। अच्छा। और जो से, जी। वहाँ पे जो सिविल सिविल पे अपनी रिलेटेड जितने भी मामले हुँ, हैं हुँ। वहाँ पे उसकी सुनवाई होती है अच्छा अब इसके इसके ऊपर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ठीक है ये इसका एक मोटा मोटा एक समझने का एक तरीका है अब मैं बात करता हूं कि कोर्ट के अंदर इन दोनों की प्रक्रिया कैसे होगी आपराधिक मामलों में नॉर्मली क्या होता है क्योंकि अपराध में जो पीड़ित है वो उसको अपराधी को सजा दिलाने के लिए काम करेगा तो उस वाले, केस में क्या होगा कि उस वाले क्योंकि ये राज्य सरकार का, का काम है कि राज्य को अपराध से मुक्त रखना ये सरकार का काम है तो जो सरकारी वकील होता है जिसको अपन एपीपी बोलते हैं या पीपी -पी जो भी है वो उसकी पैरवी उसके द्वारा की जाती है लेकिन जहाँ पे जब हम सिविल मैटर्स की बात करते हैं तो जो, जो 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 मतलब वादी होता है उसको प्रतिवादी से अपना दावा के तौर पे उसको जो भी प्रतिफल वगैरह जो भी कुछ चाहिए होता है या जो भी उसकी जो भी डिमांड होती है अगर वो उसकी मांग करता है तो उसको अपनी पसंद का कोई एडवोकेट चुनने का अधिकार होता है और वो उसको मतलब कोर्ट के अंदर प्रोसीजर हिसाब से होता है सिविल कोर्ट्स में तो सिविल कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो इस हिसाब से चलता है और जो क्रिमिनल कोर्ट्स का है वो सरकार उसको और इस सरकार का वकील उसको जो हाई कोर्ट है।, है और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो सारे जो जितने भी अधीनस्थ न्यायालय है उन पर नियंत्रण रखते हैं और उनकी गाइडलाइन सारे नीचे के कोर्ट को फॉलो करनी पड़ती है बिल्कुल है। इसके अलावा भी देखिए अभी ये तो हो गया एक ना कोर्ट्स का मामला इसके अलावा कुछ अपीलेंट ये अपने न्यायाधिकरण भी है जी, जी, जी। आ, तो उसमें कोई कोई एक, ना विशेष मतलब प्रकार के जो अगर केसेस हैं कि के कोई एक है ना जैसे रेरा की हम बात करें तो उसके लिए जो सुनवाई है वो अलग से उन्होंने एक प्राधिकरण बनाया हुआ है वहां पे वो सुनवाई होती है इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्राधिकरण बना रखे आवश्यकता के हिसाब से राज्य सरकार ने जो कोर्ट के ऊपर बर्डन नहीं बढ़े और स्पेसिफिक जो जो मतलब केसेस हैं उनको एक ही जगह की सुन, अगर सुनवाई होती है तो डेफिनेटली उसके परिणाम जो, जो, जो कोर्ट इस तरीके से काम कर रहे हैं पर आप वकील साहब हैं आप कोर्ट का प्रोसेस जानते हैं आप कानून जानते हैं लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति भले ही चाहे उसने एलएलबी ना करी लेकिन फिर भी उसे कानूनों की जानकारी होनी चाहिए स्पेशली कुछ चीजें जैसे हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, ये तो हमें पता होना ही चाहिए भले ही हम कानून की बाकी की जानकारी रखते हैं या नहीं संक्षिप्त रूप में हम चाहेंगे कि आप थोड़ी जानकारी मौलिक अधिकारों के बारे में भी हमारे दर्शकों को दें देखिए मौलिक अधिकार जो है ना वो ये अधिकार हैं कि जिनको हम न्यायालय के द्वारा प्रवर्तन करा सकते हैं मतलब ये हमारा एक तरीके से आ, मतलब हमें जो जो संविधान ने हमें एक ऐसी शक्ति दी है कि ये तो हमारा राइट है हम इसको लेके छोड़ेंगे अगर कोई नहीं देता है या उसको छीनने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर कोर्ट बैठते हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसका पूरा अपने को प्रोटेक्शन देते हैं उसके उसके रिगार्डिंग में तो मैं बात करता हूं कि ये आर्टिकल 14 से लेके 32 के बीच में जितने भी हैं इसमें मतलब अभी टोटल छः हैं इससे पहले संपत्ति का एक जो जो अधिकार था वो अभी हटा दिया है जी। तो अभी जैसे मैं बात करूं समता का अधिकार हो गया स्वतंत्रता का अधिकार हो गया शोषण के खिलाफ जो अधिकार है एक वो हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आ, एक अपना संस्कृति और अपने शिक्षा से संबंधित अधिकार और अपना संवैधानिक जो अपने जितने भी जो मतलब इतने सारे अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिए हैं और हमें इनकी जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए भले ही हम विधि की कानून की पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता सर एक और चीज ये है कि निशुल्क हमारे को व्यवस्था मिले कि हमारे पास यदि आर्थिक रूप से इतने साधन नहीं हैं तो भी क्या हम किसी मामले में कोई वकील को अपॉइंट कर सकता है ऐसा व्यक्ति जी हाँ बिल्कुल देखिए संविधान जो निर्माता ने निर्माता ने जब इनका जब ये ये, ये, ये जो हाँ जब ये बनाया था तो इस चीज का ध्यान रखा गया क्योंकि यहाँ पे हर एक वर्ग का आदमी है निर्धन भी है जिसके पास पैसा नहीं है ट ये है कि न्याय मिलना भी उसका एक अधिकार है बिल्कुल उसको 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 वो वो अधिकार है उसको वो मिलना मिलना चाहिए न्याय से वंचित तो उसको नहीं रख सकते और उसके पास पैसा नहीं है तो इन चीजों का जो प्रावधान है ऑलरेडी हमारे संविधान में किया हुआ है ठीक है तो ये अनुच्छेद थर्टी नाइन ए में इसका वर्णन किया हुआ है अगर मैं आईपीसी की बात करूं तो धारा तीन सौ चार में इसका वर्णन है कि उसको ये निःशुल्क और जो मुफ्त जो भी है इस तरह का विधिक सहायता ये उसको प्रोवाइड की जाएगी अगर मैं सीआरपीसी की बात करूं तो ये आदेश स्थिति इसमें ऑर्डर नंबर अठारह ये इसमें मतलब पूरा पूरा ये मेंशन है ठीक है तो इस तरीके से ये हर एक उन्होंने अपने अपने उसमें ये सारी की सारी जो जो मतलब चीजें हैं कि अगर किसी के पास निर्धन है मतलब निर्धन है उसके पास पैसा नहीं है अपने को न्याय मिलने में उसको दिक्कत आ रही है तो वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन देगा और उसके बेसिस पे जो भी पैरामीटर्स हैं जब हम निर्धन बात मतलब उसकी व्यक्ति की बात करते हैं तो उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे जी, समय जी, समय पर सरकार उसको निश्चित करती है कि इनके पैरामीटर्स क्या हैं तो वो उस वाले अगर पैरामीटर में आता है कि वो निर्धन मतलब व्यक्ति के पैरामीटर में आता है तो डेफिनेटली उसको आ, सरकार के द्वारा एक उसको एज ए प्लीडर या एडवोकेट उसको नियुक्त किया ये जाता तो है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है कि जो कहा जाता है ना कि न्याय सिर्फ किया ही नहीं जाना चाहिए हमारे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं न्याय किया हुआ दिखना, दिखना भी, चाहिए। भी चाहिए जिसके साथ वो न्याय किया जा रहा है उसको फील होना चाहिए कि हाँ सच में मुझे कुछ रिलीफ मिला है सर कॉन्सेप्ट आता है विधिक शिक्षा की बात कर रहे हैं हम दो चीजों को आपस में जोड़ना चाह रहे हैं हम कह रहे हैं कि जो विधि है जो कानून है और जो नैतिकता है उसमें भी आपस में संबंध है क्योंकि जो चीज कानून में गलत है वो नेचुरली नैतिक भी नहीं है आपस में इनमें क्या संबंध आपको दिखाई पड़ता है देखिए अगर मैं बात करूं आपसे कानून की तो ये राजनीति विज्ञान का एक, एक विषय है जिसको हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इसको इसका अध्ययन अध्ययन करेंगे नैतिकता की मैं बात करूं तो इसको नीति शास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे अब नीति क्या बोलती है नीति है अपने व्यवहार को अपना जो व्यवहार सिखाने का जो एक तरीका है कि व्यवहार कैसा होना चाहिए नीति वो है और एक तरीके से जो हम अपना कोई भी कृत्य करते हैं कोई भी जो कार्य करते हैं उसमें अच्छे और बुरे का भेद बताने जी जी में जी। आ, हमारी मदद करती है कि ये अच्छा और ये बुरा है ये दोनों एक ही आ, सिक्के के पहलू हैं अगर मैं बात करता हूं जो आपने बताया कानून की बात करें और ये नैतिकता की बात करें एक ही सिक्के के पहलू हैं वो कैसे वो मैं आपको समझाता हूं जब आदमी जब नैतिक होता है तो कानून अपना मौन हो जाता है ठीक है।, है ना लेकिन जैसे ही आदमी अगर उसका उल्टा कर देते हैं अनैतिक होगा नैतिक जी, नहीं, जी, नहीं है जी, तो अनैतिक होगा तो कानून अपना काम करना स्टार्ट कर देता है ठीक है ना तो इसमें ये जो आपस में एक ये मतलब कॉम्बिनेशन है वो इसीलिए है कि आदमी को अपने जो जो उसकी नैतिकता है उसको बना के रखना है जो उसके काम है उसको उसी हिसाब से करना तो आपने हमें मतलब राजनीति भी समझाई आपने हमें कानून भी समझाया और आपने हमें नैतिकता भी समझाई चलते चलते हम ये चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बारे में कि लॉ को एक करियर के रूप में कैसे अपनाया जा सकता है और दूसरी चीज ये कि विधिक साक्षरता या शिक्षा की जानकारी होना सबके लिए कितना जरूरी है राखी जी देखिए जो इम्पोर्टेंट जो जो मतलब चीज है इसमें आ, एक आमतौर पे आ, मतलब यह देखा गया है कि आदमी को अपने अधिकारों के बारे में कुछ नहीं मालूम होता जब उसको अपने अधिकारों के बारे में मालूम नहीं है तो वो कैसे उसको मतलब अपना अपनी प्रोटेक्शन करेगा प्रोटेक्शन वो कर ही नहीं पाएगा तो मेरा सबसे यही एक अपील है सबको यही मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग कानून से संबंधित हैं या जो नहीं है जो इसमें आना चाहते हैं जो नहीं आना चाहते कम से कम सभी को जो इससे रिलेटेड है वो भी जो रिलेटेड नहीं है वो भी मैं सभी की बात कर रहा हूँ हर एक आदमी को कानून की बेसिक नॉलेज होना अनिवार्य है वो इसलिए क्योंकि हम लोग तभी आगे बढ़ पाएंगे जब हमें अपने अधिकार मालूम होंगे बिल्कुल बिल्कुल और हम उन अधिकारों में अपना प्रोटेक्शन कर पाएंगे जन चेतना के माध्यम से दूसरों को अवेयर कर पाएंगे और हम एक प्रगति के पथ पर चल देंगे मैं यही आशा रखता हूं और यही सबसे मैं अपील करता हूँ एटलीस्ट जो बेसिक जो जो चीजें हैं कानून की उनकी जानकारी तो जानकारी होनी चाहिए बिल्कुल महेंद्र जी कार्यक्रम में आपने शिरकत की इतनी चीजों को इतने विस्तार से और इतने शानदार तरीके से समझाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच थैंक तो दर्शकों आज की इस चर्चा के बाद हम ये कह है सकते हैं कि जैसा वकील साहब ने बताया जरूरी नहीं है कि कानून की पढ़ाई की जाए तभी हम विधि की जानकारी लें हमारे संबंध में जो कानून है उनके बारे में पता रखें कानून की जानकारी हमें हर तरीके से हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और जब हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं ना वो तभी संभव होगा जब हम न केवल साक्षर हम विधिक रूप से साक्षर और शिक्षित होंगे तो अगली बार कार्यक्रम में फिर मुलाकात करेंगे फिर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार